बदमाशों ने एक कैफे में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और साथ ही आपको बता दें कि कैफे के मालिक और उसके साथ दो लोगों के साथ जमकर मारपीट भी की। पानीपत सिटी थाने के सामने गली में करीब 100 मीटर दूर बने एक ब्लैक डोर कैफे में 8 युवक घुस आए और कैफे में घुसकर तोड़फोड़ करने शुरू कर दी। लाठी डंडों से मालिक को बुरी तरह से पीटा गया। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कैफे के मालिक प्रदीप ने बताया कि करीब एक साल पहले उसने ब्लैक डोर कैफे के नाम से रेस्टोरेंट शुरू किया था। वो अपने दोस्त के साथ बैठा था, बदमाश युवकों ने अंदर आकर मालिक सहित कस्टमर को भी पीट दिया और फिर फरार हो गए। था और 7-8 लोग आए, उन्हें रात पहले से फोड़े, फिर मेरे को मारना शुरू किया और गले में 23-24 हजार रुपए पड़े थे, वो भी ले गए और गले में चैन थी वो भी छीन के ले गए और ये नहीं पता कहाँ गए थे कहाँ गए नहीं। सीधा आए और मार पिटाई करी, गुंडा सीधे उनके हाथ में, एक ने राड मारी है और हाथ पे गंडा सिंह मारी है। सिटी थाना एसएचयू ने बताया कि मारपीट करने वालों की पहचान हो गई है और जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है मुदिया प्रदीप के बयानों पे और उसके बाद हमने वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उनके हमने जांच की है और उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी ही हमने टीम गठित की है उनको पकड़ करके। पानीपत में आए दिन लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन वारदातों पर रोकथाम लगाने के लिए क्या कदम उठाती है ताकि माहौल आमजन के हित में बना रहे।